दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वनडे में न्यूजीलैंड का सुपड़ा साफ करने के बाद अब बारी है T20 में विरोधी टीम को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की। इसके लिए भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने एक अचूक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके सामने न्यूजीलैंड की पूरी टीम घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। तो आखिरकार पहले T20 मुकाबले में द्रविड़ ने किन किन खिलाड़ियों को दिया मौका और ऐसा कौन सा वो दिग्गज खिलाड़ी है जिसे उन्होंने रातों रात भारतीय स्क्वाड में शामिल करवाया है, दिखाएंगे द्रविड़ की प्लेइंग 11 का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में से बेहतरीन कप्तान कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज अब खत्म हो चुकी है। टीम इंडिया का अलग लक्ष्य है T20 सीरीज जीतकर न्यूजीलैंड को पूरी तरीके से सुपड़ा साफ करना। वनडे श्रृंखला में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने लाजवाब खेल दिखाया, जहां तीनों ही मुकाबले जीतकर सामने वाली टीम का क्लीन स्वीप कर दिया। बारी है T20 मुकाबलों की, जहां टीम इंडिया एकदम बदली हुई नजर आने वाली है। वनडे में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे, लेकिन T20 में भारत की कप्तानी हार्दिक पांड्या संभालेंगे। पिछली बार जब हार्दिक पांड्या ने T20 में भारत की कप्तानी संभाली थी, तब उन्होंने अपनी कप्तानी में श्रीलंका के खिलाफ भारत को 2-1 से जीत दर्ज कराई थी। अब एक बार फिर से उनके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आपको बता दें भारत के बीच पहला T20 मुकाबला 27 जनवरी को खेला जाएगा। शुक्रवार के दिन खेला जाने वाला ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। ये मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी के होम ग्राउंड रांची में खेला जाना है, जहां पर एक बार फिर से फैंस को हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलने वाला है। हालांकि उम्मीद भी जताई जा रही है कि इस मुकाबले में वो अभी अपनी भूमिका निभा सकती है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है। सभी क्रिकेट फैन इस मुकाबले का मजा स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री के साथ उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। दोस्तों पहले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने मुकाबले से ठीक पहले ही अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। जी हां, उन्होंने अपने पहले मुकाबले में अपनी टीम तैयार करते हुए ओपनिंग की जिम्मेदारी वनडे मुकाबले में तूफानी पारी खेलने वाले शुभमन गिल और ईशान किशन को पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी दी है। इस दोनों ही खिलाड़ियों ने पिछले कुछ मुकाबलों में कुछ बेहद प्रभावित किया। ईशान किशन ने जहां बांग्लादेश देश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक जड़ा था, तो वहीं शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ यह कारनामा कर दिखाया। अब इन दोनों ही खिलाड़ियों पर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में भी धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद होगी। इसके अलावा तीसरे नंबर पर विराट कोहली नहीं बल्कि मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव नजर आने वाले हैं। इस खिलाड़ी ने T20 में अपना एक अलग ही नाम बना रखा है। नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव न्यूजीलैंड के लिए सबसे घातक बल्लेबाज साबित होने वाले हैं। वहीं द्रविड़ इनसे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे। अगर सूर्य का बल्ला चल जाता है तो टीम इंडिया ऐसे ही मुकाबले अपने नाम कर लेगी। दोस्तों सूर्य के बाद नंबर 4 पर दीपक हुड्डा मध्य क्रम की जिम्मेदारी में नजर आएंगे। दीपक हुड्डा न सिर्फ अच्छी बल्लेबाजी करते हैं बल्कि वो गेंदबाजी में भी टीम इंडिया को योगदान देंगे। जब भी टीम इंडिया मुश्किल में फंसती है, इस खिलाड़ी ने हमेशा ही अपने बल्ले से टीम को जीत दिलाई है। श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने लाजवाब पारी खेली थी, जहां अक्षर पटेल के साथ मिलकर उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। अब एक बार फिर से वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी। नंबर 5 पर कैप्टन हार्दिक पांड्या सामने वाली टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे मुकाबले में उन्होंने तूफानी अर्धशतक जड़ा था और उसी फॉर्म को वो पहले T20 मुकाबले में भी बरकरार रखना चाहेंगे। इसके अलावा निचले क्रम में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए पंजाब किंग्स के धाकड़ बल्लेबाज जितेश शर्मा को राहुल द्रविड़ मौका दे सकते हैं। इस खिलाड़ी ने साल 2022 के IPL में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिसके लिए उन्होंने भारत की T20 टीम में जगह उन्हें मिली है और उन्हें पहले ही मुकाबले में डेब्यू करने का भी मौका मिल सकता है। इसके अलावा वॉशिंगटन और कुलदीप यादव स्पिन विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे और कई बार उन्होंने बल्ले से दमदार प्रदर्शन करके अपने आप को साबित भी किया है। कैप्टन हार्दिक उनसे वैसा कुछ उम्मीद करेंगे। वहीं कुलदीप यादव की फॉर्म इस वक्त गजब की है। उन्होंने बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी धमाकेदार खेल दिखाया और वैसा ही खेल न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में भी दिखाना चाहेंगे। बात करें तेज गेंदबाजी आक्रमण की, तो यहां पर हेड कोच राहुल द्रविड़ की पहली पसंद उमरान मलिक होंगे और अपनी तेज रफ्तार से बल्लेबाज को गिरफ्तार करने वाले उमरान न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मुकाबले में भी अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे। उनके साथ पंजाब के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और अर्शदीप सिंह और युवा सनसनी मुकेश कुमार पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में अपना डेब्यू करेंगे। जी हां, मुकेश कुमार बिहार के रहने वाले हैं, जिन्हें बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया में जगह मिली है और वो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मुकाबले में भी दमदार प्रदर्शन करके टीम इंडिया में अपनी जगह को स्थापित करना चाहेंगे। दोस्तों भारतीय हेड कोच राहुल द्रविड़ की प्लेइंग 11 बेहद ही खतरनाक नजर आ रही है और न्यूजीलैंड की टीम शायद
भी टीम इंडिया को टक्कर दे सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस बार होने वाले वनडे विश्व कप में टीम इंडिया का कैप्टन रोहित शर्मा को होना चाहिए या फिर हार्दिक पांड्या को? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों ईशान किशन की धमाकेदार बल्लेबाजी के बाद हार्दिक और सूर्या के सामने नतमस्तक हुआ पूरा न्यूजीलैंड का खेमा। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में ईशान किशन ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से पूरी टीम को चारों खाने चित किया, तो वहीं हार्दिक और सूर्या ने मिलकर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को खून के आंसू रुला दिए। तो आखिरकार कैसे अंतिम समय पर हार्दिक पांड्या ने न्यूजीलैंड के मुंह से जीत छीनकर भारत के नाम मुकाबला कराया, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने वनडे सीरीज को अपने नाम हासिल कर लिया है, जहां पर भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप किया, जिसके बाद अब T20 सीरीज खेली जाने वाली है, जहां पर पहला मुकाबला 27 जनवरी से होगा। इस मुकाबले से पहले आज रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं विरोधी टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां पर विरोधी टीम की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए एलन और कॉनवे मैदान पर आए। दोनों ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में भारतीय टीम के सामने तहलका मचा दिया। दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी से अपना अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे, जहां पर पारी के 9वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज एलन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें एलन काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों पर 55 रन बनाने के बाद युजवेंद्र चहल की गेंद पर LBW आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मिचेल आए, तो वहीं दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे कॉनवे 10 ओवर में 32 गेंदों का सामना करते हुए 51 रन बनाने के बाद कुलदीप यादव की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद मार्क चैंपमैन मैदान पर आए, तो वहीं दोनों बल्लेबाज बड़ी ही आसानी से टीम को संभाल रहे थे। लेकिन इसी बीच उमरान मलिक ने 11 ओवर में दोनों बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर दिया, जहां पर उन्होंने मार्क चैंपमैन को मात्र 2 रन के स्कोर पर अपनी रफ्तार से क्लीन बोल्ड किया। तो वहीं बेहतरीन बल्लेबाजी करने में चले 1 रन के स्कोर पर मलिक की गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद फिलिप्स और ब्रेसवेल ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने टीम को संभाला और अपना अपना अर्धशतक बड़े ही आसानी से पूरा कर लिया और दोनों ने नाबाद पारी खेली। इस बीच ग्लेन फिलिप्स ने 22 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली, दूसरी तरफ ब्रेसवेल ने 24 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली। इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने 208 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए। इस बीच मलिक ने 2, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ने 1-1 विकेट हासिल किया। लेकिन इसके बाद 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई, तो भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल और ईशान किशन मैदान पर आए। हालांकि पहले ही ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन ने काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए राहुल त्रिपाठी आए, लेकिन आज राहुल त्रिपाठी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और पहले ही ओवर में 1 रन के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर आए, तो वहीं हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने मिलकर टीम को संभाल लिया, जहां पर ईशान किशन अपने अर्धशतक के करीब पहुंचने लगे, जहां उन्होंने 8 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या ने कप्तान मिचेल सैंटनर को आड़े हाथों ले लिया और उनको हार्दिक पांड्या ने लगातार 4 चौके समेत 20 रन बटोर दिए। इसी बीच 11 ओवर में हार्दिक पांड्या ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वहीं बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन को गेंदबाज मिचेल सैंटनर ने 28 गेंदों पर 61 रन के स्कोर पर LBW आउट कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सूर्या मैदान पर आए, तो दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या ने टीम को आसानी से संभाल लिया। लेकिन इसी बीच 16 ओवर में हार्दिक पांड्या भी लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर 35 गेंदों पर 65 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड होकर विकेट कीपर के हाथों चले गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए दीपक हुड्डा मैदान पर आए, तो दूसरी तरफ से सूर्या ने आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, जहां पर 4 ओवर में जीत के लिए जब 65 रन की आवश्यकता पड़ी, तो सूर्या ने तूफानी प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने अगले 2 ओवर में काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 25 रन बटोर लिए। इसी बीच 2 ओवर में जीत के लिए जब 40 रन की आवश्यकता पड़ी, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण 19 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए लॉकी फर्ग्यूसन मैदान पर आए, जहां पर उन्होंने काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज सूर्या के सामने 1 भी रन नहीं दिया। लेकिन अब सूर्या ने और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के और 1 चौके के
साथ 16 रन बटोर लिए। इसी के साथ अंतिम ओवर में दोनों टीमों पर दबाव आ गया। अंतिम ओवर में जीत के लिए 24 रन की आवश्यकता थी। ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए मिचेल सेंटनर मैदान पर आए तो वहीं पहली ही गेंद पर काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज सूर्या ने पहली गेंद पर सामने की तरफ एक लंबा छक्का जड़ दिया, जिसके बाद गेंदबाज भी चारों खाने चित हो गया। लेकिन उसके बाद अगली दो गेंदों पर मात्र 2 रन सूर्या ने बना दिए, जिसके बाद अगले 3 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 16 रन की आवश्यकता थी। ऐसे में बल्लेबाजी कर रहे सूर्या ने आगे बढ़कर सामने की तरफ लंबा छक्का जड़ दिया, जिसके बाद अगली गेंद पर फिर से उन्होंने कवर ड्राइव की तरफ से शानदार चौका निकाल दिया। इसके बाद अभी भी अंतिम गेंद पर छक्के की आवश्यकता थी। ऐसे में सूर्या ने और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए आगे बढ़कर सामने की तरफ एक लंबा छक्का जड़कर अपना शतक पूरा किया और उस मुकाबले में भारत को जीत दिलाई, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज के पहले T20 मुकाबले में जीत की उम्मीद करने लगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पहले मुकाबले में भारतीय टीम जीत दर्ज कर सकती है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।